हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पूनम। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी विषय में कक्षा दो शब्द भंडार, जिसमें हम करेंगे समान अर्थ वाले शब्द यानी समानार्थी शब्द और विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द। सबसे पहले बच्चों को समझाने के लिए हमें उन्हें इस तरह के एग्जाम्पल देंगे, ये मैं बुक में से करा रही हूँ, जिससे CBSE पैटर्न पेरेंट्स को समझ में आ जाए कि CBSE की बुक में किस तरह से ये चैप्टर समझाया गया है। देखिए, गुलाब का फूल है, यह गुलाब का फूल है, यह पुष्प बहुत सुंदर है, फूल का ही समानार्थ शब्द है पुष्प, यह बरगद का पेड़ है, यह वृक्ष बहुत घना है, पेड़ का समानार्थ शब्द है वृक्ष। रंगीन शब्दों के अर्थ हैं वो बिल्कुल समान हैं। एक सा अर्थ बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें समानार्थी या समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। यहाँ कुछ समान अर्थ वाले शब्द हैं, पुत्र बेटा, बारिश वर्षा, चांद चंद्रमा, घर ग्रह, किताब पुस्तक, दिन दिवस, सांप सर्प, बादल मेघ, हवा पवन, बाग बगीचा, बच्चा बालक, दुनिया संसार। देखिए, दुनिया को संसार भी बोलते हैं। आकाश आसमान, पत्र चिट्ठी, हाथी गज, शेर सिंह। जब सबसे पहले हम बच्चों को समान अर्थ वाले शब्द कराएंगे, उसके बाद उनको हम उल्टे अर्थ वाले यानी विलोम शब्द कराएंगे। विलोम शब्द हमें अगर बच्चों को समझाना है तो हमें उसके लिए उनको कुछ उदाहरण देने पड़ेंगे। ऋषभ बारिश में भीग गया, देखिए ये ऋषभ है, ये बारिश में भीग गया है। माँ ने उससे कहा, तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं, गीले, इन्हें उतार कर सूखे कपड़े पहन लो। उतारना और पहनना, गीले और सूखे, ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, जिसे हम उल्टा शब्द भी कहते हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अगर पेपर में विपरीतार्थक हो तो उसका भी अर्थ होगा कि विलोम शब्द ही पूछे गए हैं। कुछ उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं, मीठा कड़वा। हमें मीठा बहुत पसंद है पर हमें कड़वा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, रात दिन, सर्दी गर्मी, मौखिक लिखित, प्रसन्न अप्रसन्न। ये देखिए, प्रसन्न के आगे अगर हम अ लगा देंगे तो वो प्रसन्न का उल्टा हो जाएगा, अप्रसन्न। हल्का भारी, अंधकार यानी अंधेरा, प्रकाश, अंत यानी कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाना, आरंभ शुरू होना, कच्चा पक्का, अंदर बाहर, लाभ हानि, अमीर गरीब, सुख दुख, अच्छा बुरा, नया पुराना, काला सफ़ेद, सोना जागना, हंसना रोना, निडर, निडर माने जो डरे नहीं, उसका उल्टा होगा डरपोक, दुर्बल सबल, पहले बाद, दूर पास। और फिर यहाँ बच्चों को रिवाइज करने के लिए दिया है, एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। देखिए बच्चों को, ये विपरीतार्थक, ये बार बार इन शब्दों की जब हम लिखने में प्रैक्टिस कराएंगे तब ये बच्चों को आसानी से याद हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके लिए यूज़फुल है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे दूसरे चैनल पर भी जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिसका नाम है स्माइल विद पूनम।
वहाँ आपको ब्लॉग्स, रेसिपी, प्रोडक्ट रिव्यू, मेकअप लुक्स और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।